वेलकम टू सिद्धांत कैरियर पॉइंट फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी एनएचएम के एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन रूट। तो मीजल वैक्सीन का रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम कंट्रासेप्टिव मेथड्स मीन्स जो डायफ्राम कंट्रासेप्टिव मेथड्स होता है वो किस में आता है, किस मेथड में आता है? तो ये क्या किस में आता है? बैरियर मेथड में। कंट्रासेप्टिव मेथड टू टाइप के होते हैं, परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी मेथड में जो फर्स्ट बैरियर मेथड होता है उसके अंतर्गत डायफ्राम आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अंडर वन ईयर चाइल्ड कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर है जीरोपैथेल्मिया। कि अगर वन ईयर का एक चाइल्ड है तो उसको ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज क्या होता है? तो जीरोपैथेल्मिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कॉलरा इन्फेक्शन बाई टॉक्सिन्स रिलेटेड कॉल्ड मीन्स जो कॉलरा इन्फेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम इंट्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फूड पॉइजनिंग इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट मीन्स फूड पॉइजनिंग इनमें से कौन सा नहीं था? तो ऐसे क्वेश्चन करके आया था, उसमें चार ऑप्शन थे तो उसमें से राइट ऑप्शन क्या था? केमिकल पॉइजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वीन ऑफ अरेबियन, क्वीन ऑफ अरेबियन कौन है? क्वीन ऑफ अरेबियन है कोची, कोची बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशंस मीन्स अर्गोमेट्रिन जो है वो किस किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है? तो अर्गोमेट्रिन क्या होता है? अर्गोमेट्रिन यूट्राइन का ट्रैक्शन करवाने में हेल्पफुल होता है। तो इसको पूछे थे कि मीन्स कौन कौन से कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या था? सीवियर हार्ट डिसीज़ में। सीवियर हार्ट डिसीज़ में क्या करते हैं? अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स टॉप कंट्री मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में टॉप कंट्री किसको रखा गया था? तो इसमें फ्रेंड्स शायद ऑप्शन में हांगकांग नहीं था क्योंकि फर्स्ट पे टॉप पे हांगकांग था। तो अगर शायद हांगकांग नहीं था तो इसमें हम सिंगापुर को गाइड करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेतन चौहान रिलेटेड टू फील्ड मीन्स चेतन चौहान जो थे वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो चेतन चौहान जो थे वो क्रिकेट से रिलेटेड थे जो कि 40 टेस्ट खेले थे और ये सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग पे आते थे। अगर नेक्स्ट भी नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरे डिस्कवर्ड बाई मीन्स एक्सरे जो होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको विलियम कॉनराड रोन्टिगन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? रोन्टिगन ने डिस्कवर किया था। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मॉल क्रोमोसोम्स इस सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है? तो 21 नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है। अगर आपसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम पूछें तो क्या होता है? 1 नंबर का क्रोमोसोम लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीवायरल ड्रग्स फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए एंटी वायरल ड्रग्स कौन सी है? तो एसेल्टामिविर फॉस्फेट हो क्या है सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया इसको कट कर दें तो एंटीवायरल ड्रग्स फॉर इन्फ्लुएंजा कौन है? एसेल्टामिविर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल हेराल्ड फाउंडेड बाई मीन्स नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड इंडियन न्यूज़पेपर है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था 1938 में। तो वह नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैमरा डैम, चैमरा डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डैम है
उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन आरटीएल प्रेशर। मीन जो मीन आरटीएल प्रेशर होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है कि एमएपी मीन्स मीन आरटीएल प्रेशर इन इक्वल टू एसबीपी प्लस टू बीपी टू डीपीपी अपॉन थ्री। तो एसबीपी मतलब क्या हो गया कि सुपीरियर ब्लड प्रेशर, सॉरी एसबीपी मतलब हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और प्लस टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन थ्री। मीन्स इसमें मीन आरटीएल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें हम क्या करेंगे डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डबल करके ऐड कर देंगे, उसके बाद थ्री से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा। वह नेक्स्ट बात कर लेते हैं एशियन गेम चेंजर अवार्ड। एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको दिया गया था, विकास खन्ना को। उसके बाद ब्रिक्स समिट 2020, ब्रिक्स समिट 2020 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, रसिया में। ब्रिक्स मतलब क्या होता है कि इसमें ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इंक्लूड रहते हैं, पांच देश, सॉरी यहाँ पे के नहीं रहेगा, इसको हम कट कर देते हैं। तो ब्रिक्स समिट 2020 रसिया में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑड फाइंड आउट। ऑड फाइंड आउट इसमें एक जी रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें से चार ऑप्शन थे, ए में था आई, बी में था जे, सी में था के और डी में था एल। तो इसमें से ऑड फाइंड आउट करना था कि कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है कि आई जे के एल है, तो जे और के एल जो हैं ये उसमें कांस्टेंट में आ जाता है और आई क्या होता है तो वर्बल में आ जाता है, तो आई इसमें राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड इंडिकेटर्स। मींस प्रेगनेंसी के टाइम अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशन गिव्स टू अनकॉन्शियस पेशेंट। मींस अनकॉन्शियस पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनका जो सेक्रेशन होता है माउथ का, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेचरल या लेफ्ट लेचरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मींस इसमें ऑप्शन दिए थे कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट नहीं होता, तो ऑप्शन जो था पोलियो वो राइट था। पोलियो क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो एक खेल के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिकलिन टेस्ट ड्यू टू आइडेंटिफाई। सिकलिन टेस्ट किसको पहचानने के लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए सिकलिन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं, इंसोमनिया। और नेक्स्ट वन फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर्स। मींस मदर को फर्स्ट फीटल मूवमेंट जब मूवमेंट फेल्ट होता है, फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्यूनिटी डेवलप व्हेन इन्फेक्शन अकर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। मींस अगर कोई आपकी हमारी इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के बाद अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन डी स्टोर्ड इन। विटामिन डी किस में स्टोर रहता है, फैट टिश्यू में। ड्रग्स ऑफ चॉइस इन एंजाइना। मींस एंजाइना में ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, जो कि सबलिंगुअली लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सीज। मींस जो हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होता है उसको हम कौन सी हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मम्स इंक्यूबेशन पीरियड। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 to 4 weeks, सॉरी यहाँ पे वीक होगा,
2 to 4 वीक। फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड्स एक्सेप्ट, इनमें से मतलब क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो था, सॉरी विटामिन सी जो ऑप्शन था वो राइट था, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए डी ई के, और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, बी और सी, विटामिन बी और सी, तो हम विटामिन सी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अंडर वन ईयर बेबी बेस्ट साइट फॉर पल्स असेसमेंट, मीन्स अंडर वन ईयर जो का बेबी है, एक साल के अंदर का जो बेबी है उसमें अगर हमको पल्स एक्सेस करना है तो उसकी बेस्ट साइट कौन सी होती है, तो उसकी बेस्ट साइट होती है ब्रैकियल पल्स। नेक्स्ट वन डिफिशियंसी ऑफ थायमिन, थायमिन से कौन सी डिफिशियंसी होती है, थायमिन मतलब क्या होता है, विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन से कौन सी डिसीज होती है, बेरी बेरी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एट द लेबर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बटक्स नोन एज, मीन्स लेबर के टाइम जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बटक्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। और फ्रेंड्स इसमें से एक दो क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, रीजनिंग में से, और सेटिंग अरेंजमेंट का भी आया था, तो अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो भी डाल सकें, क्योंकि अभी पूरे क्वेश्चन मिल नहीं पाए थे, तो अगर आपको पता हो, आपने एग्ज़ाम दिया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन को। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, कल या फिर आज ही कर सकते हैं, बस कुछ क्वेश्चन मिलने बाकी हैं अभी। थैंक यू फ्रेंड्स।